गाइज अब राइटिंग की भी टास्क वन टू की बहुत ईजी सैम्पल आंसर वाली वीडियो आ रही हैं हे गाइस सूरज दिस साइड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अल्वी सूरज आई एम आल्सो ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर दिस यू गाइस कैन आल्सो ज्वाइन माय व्लॉगिंग चैनल गाइज uh, जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग पीडीएफ है वो अब अवेलेबल हो चुका है सो so, आगे हम बात करने जा रहे हैं टेरिबल रिजल्ट बट एंडेड अप रिस्क के बारे में बताएं जो आपने लिया जो आपको लगता था जिसका टेरिबल रिजल्ट हो सकता है बट उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहा ए टू ऑगस्ट ट्वेंटी का न्यू क्यू कार्ड आई है गाइज विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी या मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही इजी मेथड में प्रिपेयर किया है अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आपको स्क्रीन पर शो हो रही है और मेरे कोर्सेज पर गाइस 50% डिस्काउंट चल रहा है जल्दी-जल्दी से अपनी आइल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आगे इसके बुलेट पॉइंट्स फर्स्ट इज व्हेन यू टेक द रिस्क आपने कब रिस्क लिया वाई यू टुक द रिस्क क्यों आपने रिस्क लिया हाउ इट वेंट यह कैसे रहा एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट और एक्सप्लेन करें आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा या फिर आपको कैसे फील हुआ गाय हो सकता है बुलेट एग्जाम में डिफरेंट आ जाए बट आप सेम सैंपल आंसर बोल सकते हो एंड जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग पी डी एफ है वो अवेलेबल आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो सो so, स्टार्ट करते हैं वेल वी ऑल टेक रिस्क इन आर लाइफ वेल हम सभी अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं टेकिंग रिस्क इज वन ऑफ द की फैक्टर्स टू गेट सक्सेस वेल रिस्क लिना लाइफ में एक की फैक्टर है प्राप्त करने का टूडे आई वुक अबाउट बट आज मैं उस सिचुएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जब मैंने रिस्क लिया इट इज अबाउट सेविंग द गोल्ड चेन फ्रॉम थी वेल यह गोल्ड चेन को सेव करने को लेकर था चोर से लास्ट मंथ आई एंड माई फ्रेंड्स वेन टू अट इन्जॉय फास्ट फूड वेल पिछले महीने मैं और मेरे दोस्त फूड मार्केट में गए थे फास्ट फूड को इन्जॉय करने के लिए वाइल्ड रोमिंग इन द मार्केट मार्केट में घूमने के दौरान वी नोटिस दैट समवन वाज फॉलोइंग हमने नोटिस किया कि हमें कोई फॉलो कर रहा था वी it lightly लाइटली एंड इग्नोर हमने लाइट लिया और उसे इग्नोर कर दिया However, when we came out of the pizza store, that thief snatched my friend's gold chain. जब हम पिज़्ज़ा स्टोर से बाहर आए तो उस स्टोर ने मेरे फ्रेंड की गोल्ड को छीन लिया टू बी ऑनेस्ट ईमानदार इसको। वो योर गॉड स्केयर्ड वंस। एक बार तो हम सभी डर गए थे एंड ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज दैट चेन वॉज सो एक्सपेंसिव और उसने चिलाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वह चेन बहुत ही एक्सपेंसिव थी महंगी थी इनस्टेड ऑफ़ गिविंग अप गिव अप करने की जगह आई फॉलोड दैट थीफ एंड बिगेन शाउटिंग टू कैच द थीफ मैंने उस चोर को फॉलो किया और चिलाना भी शुरू कर दिया उस चोर को पकड़ने के लिए ऑल्सो दैट थीफ हैड सम काइंड ऑफ वेपन सो इट वॉज रिस्की टू चेज हिम और इसके साथ ही उस चोर के पास किसी तरह का कोई वेपन भी था हथियार भी था सो so उसे चेज़ करना बहुत रिस्की था चेजिंग हिम कुड भी लाइफ रिस्कियर ड्यू टू वेपन इन हीज़ हैंड्स वेल उसे चेज करना लाइफ रिस्कियर भी हो सकता था क्योंकि उसके हाथ में वेपन था बट आई डिडेंट स्केयर एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल्स आई कॉट द थीफ बट मैं उससे डरा नहीं और लोकल्स की हेल्प के साथ मैंने उस चोर को पकड़ लिया फॉर्चुनेटली आई रिकवर्ड माई फ्रेंड्स चेन एंड कॉल द पुलिस इमीजिएटली दुर्भाग्य से मैंने अपने फ्रेंड की चेन को रिकवर कर लिया और पुलिस को इमीजिएटली कॉल कर दी इन अ फ्यू मिनट्स कुछ ही मिनट्स में कॉप्स केम देयर एंड कॉट कॉटिम पुलिस वाले वहां पर आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया आई ऑल्सो गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम द पुलिस एज वेल एज माई फ्रेंड्स फॉर शोइंग करेज टू कैच द क्रिमिनल वेल मुझे पुलिस ने अप्रिशिएट भी किया और मेरे फ्रेंड्स ने भी अप्रिशिएट किया मेरी बहादुरी के लिए जो मैंने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दिखाई थी

गाइज जो मेरे फॉलोअप्स है वो आपको अगले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस जो नीचे आपको सब्सक्राइब के ऑप्शन दिख रही है ना सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए Thank you guys for watching this video. I hope you guys will find this video useful for online and offline classes. You guys can contact on given number as well as on Instagram ID and for my special PDF you guys can contact on given number. Don't forget to like, share. Thank you so much guys.